कुछ फिल्में ऐसी होती है ना जो हमारे बचपन की यादें ताज़ा करती है, तो ये फिल्म मेरे लिए कुछ ऐसी है। फिल्म का नाम है सावरखेड़े गांव। इसका जो डायरेक्शन है वो किया है राजू पाटिल जी ने। तो चलो बात करते हैं फिल्म के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। सबसे पहले आपको जो कैरेक्टर है वो समझना चाहिए। तो फिल्म में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मोरे और पाटिल। जो पाटिल है वो आमदार है, जो मोरे है ऑब्वियसली वो अपोजिशन में है। बेसिकली पॉलिटिक्स किसके वजह से है, जो मोरे है वो गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं और जो पाटिल है उनको गांव में फार्मिंग चाहिए, जो ग्रीनरी है उसको मेंटेन करना है। तो इसके वजह से उनके जो एजेंडाज है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है गांव को देखने का, उनके जो पॉलिसीज है वो डिफरेंट है और इसकी वजह से उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है। जो पाटिल का कैरेक्टर है ना वो बहुत, हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन होता है, गांव के लिए सोचता है इस टाइप से। जो मोरे का कैरेक्टर वो थोड़ा करप्ट है, तो इस टाइप से उनका कैरेक्टर। जो पाटिल है उनका लड़का है उसका नाम है राहुल और जो मोरे है उनकी लड़की है उसका नाम है प्रिया। जो प्रिया का कजिन है उसका नाम है अजय और एक लड़की है जिसका नाम है समिधा। तो इनके बीच रिलेशनशिप है, जैसे प्रिया और राहुल, समिधा और अजय। तो बेसिकली उन्होंने लव स्टोरी दिखाई है फिल्म में, फिर लव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, फिर हॉरर है, फिर पॉलिटिक्स भी है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब एक रिपोर्टर होती है बाहर से, वो गांव में आती है, जो बेसिकली गांव को आदर्श गांव का पुरस्कार मिला है। इसके वजह से वो तुकाराम पाटिल है उनका इंटरव्यू लेने के लिए वो गांव में आती है, जिसका नाम होता है स्नेहा, और वो किडनैप हो जाती है। अब वो क्यों किडनैप हो जाती है, क्योंकि गांव में कुछ लोग घुसे हैं, ओके, और वो क्या कर रहे हैं, गांव पे हमला कर रहे हैं। वो उल्टे दौड़ सकते हैं, वो आग बरसा रहे हैं, बहुत खतरनाक है, वो लोगों को मार रहे हैं। जो राहुल है उसका जो एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है सुरेश, उसकी भी हत्या हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन है? इसकी वजह से जो ये लड़की है मैंने अभी बोले, वो प्रोटेक्ट करने लगते हैं हर रात को गांव को और देखते कि कौन है। तो उनमें उनको पता चलता है कि कौन है, क्यों है, किसकी वजह से हुआ। तो ये पूरी स्टोरी है। अब देखो, मैं जब बच्चा था तो मुझे तो फिर ये स्टोरी हॉरर लगती थी या जो मर्डर मिस्ट्री उस टाइप से लगती थी, पर ये नहीं है। ये फिल्म पॉलिटिक्स बेस है। उन्होंने कुछ, मैंने जैसे बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस फार्मिंग, वो मुद्दा उन्होंने क्लियर किया इस फिल्म में। पर देखो, इस फिल्म में प्रॉब्लम्स भी बहुत है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम तो मुझे ये लगा कि फिल्म में जो आउट ऑफ फोकस की प्रॉब्लम है ना, लिटरली उन्होंने पूरे के पूरे सीन आउट ऑफ फोकस शूट किया। आउट ऑफ फोकस मतलब क्या, कि नॉर्मली हम बोल सकते हैं ब्लर, तो ब्लर उन्होंने शूट किया, बहुत से सीन ब्लर है। फिर दूसरी प्रॉब्लम मुझे राइटिंग में लगती है। देखो, दो बातें होती है राइटिंग में, एक्शन और डायलॉग बेस। तो देखो, आप कोई भी फिल्म बना रहे हो तो एक्शन और डायलॉग को मिला के फिल्म बनानी होती है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही दिखा रहे हो, सिर्फ डायलॉग ही दिखा रहे हो, मतलब ऑब्वियसली जो नीड है उसके हिसाब से होनी चाहिए। पर इस फिल्म में अगर आप एक्शन दिखा रहे हो, मतलब एक्शन बेस्ड फिल्म है, तो एक्शन भी होनी चाहिए ना। तो मुझे वो बहुत ही कम लगी। मतलब लिटरली आप एक घंटे तक वेट करते हो कि यार कैरेक्टर कौन है। अब देखो, ये टेक्निक भी है कि आपको अगर घोस्ट दिखाना है यार, या कोई जानवर दिखा रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओ, मतलब जो झाड़ियाँ हिला के जा रहा है या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को देख रहा है। तो ये चीज़ें होती है, वो जॉज में यूज़ किए थे स्पिलबर्ग ने। पर आपको कुछ ना कुछ दिखाना भी पड़ता है, मतलब टाइम टू टाइम। इसकी वजह से जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ता जाता है। पर इस फिल्म में वो कहीं ना कहीं मुझे कम लगा, आज मैं देखता हूँ तब। अब देखो, ये फिल्म बहुत पुरानी है, तब लोगों को हिट हो गई होगी, पर आज आप वो फिल्म देखोगे तो आपको वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। पर चलो, उस टाइम के हिसाब से देखो तो वो नॉर्मली ठीक थी। फिर दूसरा, जो लाइटिंग का इशू मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा, कि जो बेसिकली लाइट होती है ना, आप कोई भी लाइट कर रहे हो फिल्म में तो उसका जो सोर्स है वो दिखाना होता है, या आपको ऐसा सोर्स रखना होता है कि आप वो व्यूअर नोटिस ना करे, ओके। तो इसमें बहुत नोटिस होता है, लिटरली उन्होंने अंधेरे में कोई लाइट लगाई है वो दिख रही है। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे लगे। बाकी एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टिंग यार सब ने बहुत अच्छी की है, क्योंकि ये सारे मराठी के अच्छे एक्टर है। विक्रम गोखले है, श्रेयस तळपदे है, या अंकुश चौधरी है, बहुत बड़े एक्टर है मराठी इंडस्ट्री के। तो एक्टिंग के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बात मुझे लगी। कुछ बातें उन्होंने अच्छी भी की है, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, मोरे और पाटिल के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है पता है? जो मोरे है ना, वो ऑब्वियसली मैंने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते, तो उनको हरदम घर में दिखाया है या जो बिल्डिंग है ना उसमें दिखाया है। पाटिल है, उनको दिखाने के लिए ग्रीनरी यूज़ किए है, जो हमारे जो पेड़ है या जो खेत होते हैं उसको यूज़ किया। तो इसकी वजह से जो उनकी जो एजेंडाज है या उनकी जो पॉलिसीज है वो बेसिकली और भी ज़्यादा ग्लोरीफाई होती है। तो वो मुझे बात एक थोड़ी मैच्योर लगी कि उन्होंने बहुत अच्छी की। म्यूज़िक की बात करूँ तो यार, म्यूज़िक अजय अतुल ने की है, और सही में इसमें जो गाने हैं ना यार, बहुत ही अच्छे गाने हैं। या वार्यावर्ती गंध पसर रहा, ये गाना तो भाई ऑल टाइम फेवरेट है मेरा।
बहुत अच्छे गाने हैं, अजय अतुल के गाने, और जो देवी का गाना है वो भी बहुत ही अच्छा है, या होशियार, ये तीनों गाने बहुत ही अच्छे गाने हैं। आप YouTube पे भी जाके देख सकते हो, सिर्फ गाने भी सुनोगे ना आप तो आपको फिल्म देखने का मन करेगा। बाकी यार यही चीज़ मैंने जैसे बोला कि राइटिंग और जो एक्शन सीन शूट किए वो और भी अच्छे हो सकते थे, पर पता है एक बात होती है, टारगेट ऑडियंस, आप किसको टारगेट कर रहे हो, कौन आपका व्यूअर है। तो मुझे लगता है कि वो हिट किया था व्यूअर को, तो ये इट्स ओके मुझे लगता है। पर आज आप फिल्म देखोगे तो वो थोड़ा लगेगा। बाकी आप YouTube पे भी ये फिल्म देख सकते हो, किसने डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो, मुझे बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।